हैं कि जीएसटी कैसे पे करते हैं। जैसे कि किसी का कोई प्रोपराइटर फर्म है, छोटा मोटा फर्म है, और उसका सीए ने जीएसटी चालान बना के दे दिए हैं, और आपको पेमेंट करना है, आपको अपने अकाउंट से पेमेंट करना है। 2 मिनट का प्रोसेस है, उसके लिए हम परेशान होते रहते हैं। तो अगर चालान हमें बना के दे दिया गया है, तो हम जीएसटी कैसे पे करें, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, चलिए हम लॉगिन करते हैं सबसे पहले कि जीएसटी कैसे पे करते हैं अगर आपके पास चालान बन के आ गया है तो। ठीक है, सबसे पहले एक क्रोम के न्यू टैब में जाएंगे, न्यू सीट में, और हम देखते हैं कि आपको जीएसटी का यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, लिखिए जीएसटी, जीएसटी लॉगिन करेंगे। यह आ गया पहला वाला ही, www.gst.government.in। ठीक है, पहला वाला ही हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद आपको पूछेगा उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड। देखो, एक्चुअली मैं, मेरा पहले से ही खुला हुआ है, क्योंकि मैं इस सिस्टम में खोलते रहता हूँ, इसलिए पहले से खुला है हुआ है। हम इसको लॉग आउट करते हैं, ठीक है, ताकि हम आपको शुरू से बता सकें। ओके, ये देखिए, हमने हम न्यू टैब में लिखेंगे जीएसटी, जीएसटी लॉगिन को हम क्लिक करेंगे, और आपके जो सीट में आएगा ये पहला www.gst.government.in, हम इसको करते हैं क्लिक। अभी आप देखिए, ये वाला सीट जीएसटी की निकल गया, ये आप गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। तो ये हमारा राइट साइड में देखिए लॉगिन है, उसको हम क्लिक करेंगे। 2 मिनट का प्रोसेस है, उसके लिए हम परेशान होते रहते हैं। अब आप देखिए कि आपका आ गया है ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आपका जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड हो, आप अपने सीए से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। मेरा जो है, मैं अपना डालूंगा। ठीक है, जो भी मेरा, ये एक कैप्चा भी डालना पड़ेगा आपको, और इसके बाद ये लॉगिन में क्लिक करना पड़ेगा। बोल रहा है कि इनवैलिड यूजर नेम। हमने दोबारा डाला, देखते हैं इस बार लेता है कि नहीं लेता। ले लिया, देखिए मेरा नाम आ गया अशोक कुमार पटेल, ठीक है, आ गया ना। तो ये मेरा एक फर्म है, और हम कैसे पे करेंगे जीएसटी चालान अगर बन गया है, कैसे कहाँ पे जाएंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऊपर हेडलाइन है, डैशबोर्ड, सर्विसेज, जीएसटी लॉ, डाउनलोड, सर्च, है ना, टैक्स पेयर एंड हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटी। तो हमें कहाँ जाना है, हमें सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज को जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, है ना, ये रिटर्न पेमेंट, सब हमें पेमेंट में जाना है, क्योंकि हमने पेमेंट करना है, जीएसटी पेमेंट करना है। पेमेंट में जब जैसे पहुँचेंगे, तो वैसे यहाँ पे क्रिएट चलान, चलान हिस्ट्री, ये सब आ जाएगा। तो हमें चलान हिस्ट्री में जाना है, हमें जीएसटी का पेमेंट करने के लिए चलान हिस्ट्री में जाना है। मैं बार बार इसलिए रिपीट करके बता रहा हूँ, ताकि
आपको कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आप एक बार में उसको पेमेंट कर सकें। जैसे कि आपका चालान बन गया है अगर, तो यहाँ पे ये देखिए, ये पहले ही लाइन में ये लिखा हुआ है नॉट पेड, एक चालान बना है जिसका नॉट पेड है, बाकी देखिए बहुत सारे चालान पेड लिखे हुए हैं, इसका मतलब इसका हमने जीएसटी पे कर चुके हैं, ठीक है। अभी तो नॉट पेड लिखा है, अब नॉट पेड के सी पिन में हम टच करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक किए वैसे ये आपका डिटेल्स आ गया, ये चालान बना हुआ है। टोटल अमाउंट कितना जीएसटी, 3844 रुपये का हमें जीएसटी पे करना है, ठीक है। अब इसमें सेलेक्ट मोड ऑन ई पेमेंट, नेट बैंकिंग करना है कि प्रीफर्ड बैंक करना है, तो हमें तो नेट बैंकिंग करना है, हमने तो बैंक सेलेक्ट कर लिया। टर्म्स एंड कंडीशन हम सब मान गए, ठीक है। अब इसमें आप अपना बैंक बुक कर लो जिसमें आपका पैसा कटवाना है, या जो आपका करेंट अकाउंट है वो, मेरा करेंट अकाउंट है, मैं दिखाई नहीं दे रहा मेरा बैंक, हाँ मेरा बैंक दिखाई दिया, इंडियन ओवरसीज बैंक है। अब जैसे हम बैंक को सेलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ पे आएगा मैक पेमेंट, ये देखिए, ठीक है। अब मैक पेमेंट हम कर देते हैं। अच्छा एक बार मैं आपको बताऊं कि जीएसटी पेमेंट बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये एक बार अगर फेल्ड हो गया ना तो चालान दोबारा क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखिए दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं, एक तो कॉर्पोरेट लॉगिन होता है कि अच्छा करेंट अकाउंट खुलता है, लेकिन लॉगिन जो होता है दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल लॉगिन होता है, कॉर्पोरेट लॉगिन होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैंक में किस टाइप के लॉगिन के लिए आप बोले हैं या उसमें फॉर्म में फिलअप किए हैं। मैंने तो इंडिविजुअल लॉगिन किया हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। अब हमारा जैसे ये बैंक का प्रोसेस हो रहा है और ये आ गया अपना पासवर्ड यूजर आईडी बैंक का, हमने डाल दिया और हमने लॉगिन कर दिया। जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप डालिएगा, है ना। अब ये हमारा अमाउंट आ गया 3844 रुपये, जीएसटी नंबर आ गया, पोर्टल नंबर, सारा चीज़ ऑटोमेटिक आ जा रहा है। आप देख रहे हैं चालान क्रिएट जो करना है ऑटोमेटिक हो जा रहा है। अब डेबिट अकाउंट बोल रहा है, अकाउंट सेलेक्ट करो, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब बोल रहा है कि इंटर द फंड ट्रांसफर पिन, ये तो मैं उसे बताने की बात नहीं है, ये तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, अगर किसी को नहीं आता है तो आप उससे हेल्प मिल सकती है आपको। अब हमारे इंटर पिन डालने के बाद, ट्रांसफर पिन डालने के बाद ट्रांसफर फंड कर देना है। अब बोल रहा है कि एक ओटीपी आएगा, वेट करते हैं, ओटीपी आने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता ही होगा। OTP थोड़ा लेट से आया, फिर भी हम एक बार भर के देखते हैं कि उसका टाइम एक्सपायर तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये करते हैं, ये देखिए हमारा GST पेमेंट हो गया है 3844 रुपए का। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे CPIN नंबर में वहाँ पे पेड लिखा दिख रहा है या फेल्ड लिखा दिख रहा है। तो हम फिर से जाएंगे सर्विसेज में, सर्विसेज में हम पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट से चालान हिस्टोरी में जाएंगे, सेम प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया था। और इसके बाद ये देखिए CPIN नंबर हमें याद होगा या नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, आपको अमाउंट तो याद होगा कितना हमें GST पे करना है, 3844 रुपये हमें GST पे करना है। और ये देखिए डिपॉजिट स्टेटस में लिखा हुआ है पेड, मतलब हमारा GST नंबर पेड, GST अमाउंट पेड हो चुका है। अब इसका हम पेमेंट रिसिप्ट देखेंगे कि पेमेंट रिसिप्ट कहाँ पर है और कैसे हम उसको ओपन करते हैं और कैसे हम डाउनलोड करते हैं। तो CPIN जो नंबर है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये जैसे हम क्लिक किए वैसे क्लिक नहीं हुआ लग रहा है, हाँ जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे वो चलान गुड्स देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेमेंट रिसिप्ट आ गया हमारे पास। ये आपको सब लिखा रहा है, कितने बजे आप कौन से डेट में पे किए हो, कितने टाइम्स पेड किए हो, उसका CIN नंबर रहेगा, बैंक नेम क्या है, VRN नंबर क्या है, GST
आईडी क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर, टोटल आपको पूरा डिटेल दिया रहेगा और जीएसटी अमाउंट क्या है और जीएसटी में आपने क्या पेमेंट किया है वो भी आपका डिटेल रहेगा कि आईजीएसटी है, सीजीजीएसटी, एमपीजीएसटी, जो भी आपका रहेगा वो आपको दिया जाएगा। तो अब इसको हम कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे हम वो बाहर ला के देखेंगे, ये देखिए, ये हमने इस डाउनलोड को दबाया और यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया जीएसटी चालान रिसीप्ट, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब आपका चालान बन जाता है, आप जीएसटी पे करते हैं, तो आप नेटवर्क पे रहिए, क्योंकि एक बार पेमेंट फेल्ड हुआ तो आपको चालान दोबारा क्रिएट कराना पड़ेगा, आफ्टर देन ही आप दोबारा पे कर सकते हैं, अदरवाइज वो कैंसल्ड हो जाता है, वो फेल्ड हो जाता है, उस चालान पे दोबारा आप काम नहीं कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे और ये एकदम छोटी सी चीज़ है, हम लोग कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ा कम रखना चाहिए और हमें छोटी मोटी चीज़ें खुद कर लेना चाहिए, जैसे जीएसटी पेमेंट है, चालान बनाना है, चालान बनाना हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे और इसका लिंक इसमें हम डाल देंगे ताकि दोनों का आप देख सकते हैं। और प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके, पहुंच सके और ये दूसरे लोग भी कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड धन्यवाद। ट्रांसफर